नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मातृभूमि पोर्टल को लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल के जरिए पूर्वजों के नाम पर विकास कार्य किए जा सकेंगे। ये पोर्टल आने वाले 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को लॉन्च किया जाएगा। सपा नेता पर उन्नाव पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सुरेश पाल ने लोगों को डरा धमकाकर करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर भूमाफिया सुरेश पाल पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 1,10,40,000 की अचल संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। और अगली खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 17 सितंबर को चोरों ने कर्णप्रयाग बाजार में चोरी को अंजाम देने के बाद 18 सितंबर को जोशीमठ में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद जोशीमठ और कर्णप्रयाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 22 सितंबर को देर रात तपोवन से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा वरिष्ठ नेता विनोद आरे के बेटे पुलकित आरे के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया है। धामी ने जिलाधिकारियों को उत्तराखंड के समस्त रिजॉर्ट की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो रिजॉर्ट अवैध बने हैं या अवैधानिक रूप से चलते हैं, उनके खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही प्रदेश भर में होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेकर शिकायतों को गंभीरता से लिया। हाल ही में रिजॉर्ट से लापता रिसेप्शनिस्ट का शव बरामद कर लिया गया है। बता दें कि लापता होने के बाद अंकिता की हत्या किए जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने लगातार कोशिश की और शव ढूंढने के बाद अब कामयाबी हासिल कर ली है। बता दें कि SDRF की टीम ने सर्चिंग कर शव को बरामद किया है। और अब खबर मऊ से, जहां ओपी राजभर की पार्टी में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और पार्टी छोड़ते हुए कार्यकर्ताओं ने कोपागंज में पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण अलर्ट जारी है। बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के मिलान गांव में राजकुमार अपने परिवार के साथ मकान में सो रहा था, लेकिन देर रात भारी बारिश के चलते मकान में सो रही परिवार पर मकान की छत गिर गई, जिसके नीचे पूरा परिवार दब गया। शोर शराबा होने पर आसपास से रह रहे ग्रामीण मकान की ओर दौड़ पड़े। रात भर ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद छत के मलबे के नीचे से दबे परिवार को निकाला। पूरे परिवार को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी, लेकिन कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने बागपत DM राजकमल यादव से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और मामले को अपने संज्ञान में लेकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं कानपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर रावतपुर थाना क्षेत्र के कृष्णपुरी रोशन नगर में एक परिवार 1.5 साल से आयकर अधिकारी की लाश के साथ रहता था। जी हां, सही सुना आपने। शुक्रवार को इस बात की जानकारी लोगों को हुई तो सबके पांव तले से जमीन खिसक गई। मामले की जानकारी तब हुई जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि 2021 अस्पताल प्रबंधन ने कोविड नियमों की अनदेखी करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विमलेश के शव को परिजनों के हवाले कर दिया था। हालांकि 1.5 साल तक विमलेश के साथ परिवार लोग कैसे रहे, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। मृतक के परिजनों ने ही ये डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया है। आपका ये डेथ सर्टिफिकेट मोती हॉस्पिटल में ये जो है बिमलेश कुमार भर्ती थे, ठीक सुनिए। और इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखिए, अब आप लोग देखिए, दिस इज मोती हॉस्पिटल का है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर बिमलेश ये 35 ईयर्स ऑफ एज मेल सनाफ रामोतार, ये एड्रेस यहीं का पूरा लिखा है, रेजिडेंस ऑफ 119605 कृष्णापुरी बागादेव। ये देखो, ये हु वाज एडमिटेड हेयर, ये 19/4/2021 को एज ए केस ऑफ एडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डाइड टुडे, लिखा देखिए, डाइड टुडे एट 4:04 AM ड्यू टू दी सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये डेट का है, किस डेट ये 22/4/2021 का है। ये ये इन्होंने दिया है, ये इन्होंने भर्ती कराया, अपने घर वालों ने भर्ती कराया होगा, वो सर्टिफिकेट इन्होंने हमको दिया।
लखनऊ चौक के मेडिकल कॉलेज के निकट स्थित हजरत मखदूम शाह मीना शाह का 560वां उर्स मुबारक बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने दरगाह पर चादर पेश की और अमन चैन की दुआ मांगी है। दरगाह के मुतवल्लिल राशिद अली विनाई ने बताया कि ये 560वां उर्स मुबारक शुरू हो रहा है। 2 साल कोरोना के चलते पाबंदी रही, लोग मोहब्बत से आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। कोविड के दौरान जो लोग नहीं आए थे वो लंगर का पैसा लोगों के ऊपर खर्च किया गया। बारिश के दौरान भी काफ़ी मजमा रहा और प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।